हेलो एवरीवन, आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो है छोटे स्लिप से हम, या एक स्लिप साइज़ की कटिंग आपके पास है उससे हम अलग अलग साइज़ की स्लिप्स की कटिंग कैसे करें। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 इंच, 16 इंच इसकी ये स्लिप्स की लेंथ है। लेकिन एक चेस्ट जैसे 34, 38 कोई भी हो, उसमें अगर एक लेंथ जैसे मान लीजिए कि 16 इंच की ही आपको स्लिप्स की कटिंग करनी है, तो आप कैसे कटिंग करेंगे? अगर आपको मतलब नहीं आती है या आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो वैसे तो कटिंग करना बहुत आसान है। मैं आज वही आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ, और आपकी जो मुश्किल है बिल्कुल ही आसान हो जाएगी, क्योंकि हम मैं एक स्लीव्स कटिंग करूँगी और उसी से मैं आपको बताऊँगी अलग अलग साइज़ की स्लीव्स कटिंग करना। जैसे 3 इंच, 6 इंच, 9 इंच हुआ यहाँ, उसके बाद 13 इंच और 16 इंच, और इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाते हैं तो उसकी जो स्लीव्स होती है चूड़ीदार, वो बहुत लंबी होती है। तो यहाँ पर जो ये लॉन्ग स्लीव्स है इसे हम हटाएंगे, और पहले सबसे पहले हम एक शॉर्ट स्लीव्स कटिंग करेंगे 3 इंच की स्लीव्स। तो 3 इंच की जो स्लीव्स हम कटिंग करेंगे ना, उसी स्लीव से मैं आपको बताऊंगी कि आप झटपट 6 इंच की, 9 इंच की, 11 हो, 13 हो, 16 हो, या फिर 21 हो, कि कोई भी साइज़ की आप स्लीव्स कैसे कटिंग करेंगे। बस थोड़ा सा चीज मतलब दो चीज़ दो या तीन मतलब ऐसे पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पेपर, अब चलिए इस पर मैं करूँगी, और ये मैं यहाँ पे मैं 3 इंच की ही मैं कटिंग करने वाली हूँ, और उसी से मैं आपको आगे आगे बताती जाऊँगी। 3 इंच की जो स्लिप्स है इसके लिए मैंने यहाँ पे 4.25 इंच की पेपर की लेंथ ली है। वो इसलिए क्योंकि ऊपर से भी हमें स्टिचिंग के लिए कपड़े चाहिए और नीचे से भी चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब 3 इंच करेंगे तो थोड़ा सा आप 0.25 इंच बढ़ा करके ही लेंगे या 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। तो ये 3 इंच हम स्लिप्स के यहाँ पर कटिंग करने वाले हैं। 3 इंच स्लिप्स की जो कटिंग करेंगे तो इसमें बस दो तीन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पर ना हम 1.5 पर ही आर्म होल के लिए लाइनिंग लेंगे, 1.5 इंच पर, जबकि हमने जब पिछली बार आपको जो वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर हमने 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर लिया था, क्योंकि वहाँ पे स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा है। स्लीव्स की लेंथ पर आर्म होल की यहाँ पर जो होती है ना, जो हम जहाँ से मार्किंग करते हैं ना, वो चेंज होती है थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पर जैसे हमने 1.5 इंच पे किया, आप जैसे 3 इंच हो या फिर 2.5 इंच हो, उसमें आप 1.5 इंच ही लेंगे ऊपर से आर्म होल के लिए जब हम लाइन खींचते हैं। तो अब आर्म होल कितना लेंगे, तो इसके लिए आप बैक पार्ट ले लीजिए, या आपके पास ब्लाउज की कटिंग है या कुर्ती की कटिंग है, तो आप ले करके ऐसे घुमा करके, अब ये 7.5 यहाँ पर आ रही है, क्योंकि ऊपर से हमने शोल्डर डाउन किया हुआ है, इसलिए 7.25 आ रहा था, लेकिन मान के चलिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर ही 7.5 यहाँ पर आ गई है, शोल्डर ऊपर से डाउन की हुई है, उसके बाद हमने मार्किंग की है। अब जो 7.5 आई है ना, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच बढ़ा देंगे, 7.5 है तो 1/2 इंच, यहाँ पे 8 इंच कर देंगे इसको। अब चलिए यहाँ पे हम लाइनिंग खींच लेते हैं इसकी। तो यहाँ हमने लाइन खींच ली है इसकी, और ये जो है यहाँ पर 8 इंच पे हमने कर दिया है। और अब यहाँ पर जो है ना, 1 इंच की हम यहाँ पे जो मार्जिन होती है ना, वो ले लेते हैं, तो वो हमने ले लिया है। एक लाइन सीधी लाइन लगा लेंगे इसकी, और ये जो सीधी लाइन लग जाती है। और फ्रेंड, वीडियो अगर आपको पसंद आती है मेरी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप, या कोई भी तरह की आप कटिंग या स्टिचिंग जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना, हमने लाइनिंग खींच ली है। अब यहाँ से 2.5 इंच लेकर के हम 2.5 इंच लेकर ऊपर में एक मार्किंग करेंगे, जहाँ से हम इसकी शेप देना शुरू करेंगे। तो वो 2.5 इंच हमने 16 इंच के भी स्लिप्स में लिया था, 6 इंच के में भी लिया था, और मतलब आप कोई भी स्लिप्स में, जो ऊपर से जो आपको लेना है वो 2.5 पे ही करना है, और करके वहाँ से आपको एक शेप देनी है। अब यहाँ पर आकर के आप ये जो है ना, 5 इंच पर आप ये मार्किंग इसकी हमने कर दी है, इसकी गोलाई बाँह की, और यहाँ पर 1 इंच की हमने जैसे मार्जिन दी है। तो यहाँ पर मैं जो यह चेस्ट की मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो लिया है उसकी गोलाई, स्लीव्स की गोलाई 5 इंच थी और 1 इंच की मार्जिन, और इनको अटैच कर दिया है। और यहाँ पर मैं इसको मोटे मार्कर से डिप कर देती हूँ, इस लाइन को घिस दे रही हूँ। ये हो गए। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 3 इंच है, तो इसमें आपको जो शेप देनी है ना फ्रंट आर्म होल की, वो आपको ये 1/2 इंच की ही देनी है, जैसे हम नॉर्मली किसी में भी देते हैं।
तो वैसे ही आपको यहाँ पर देनी है। आप इसको दीजिए, जैसे बहुत सारे कटिंग में लोग बताते हैं स्लीव्स में कि नहीं भी दिया तो छोटे स्लीव्स में चलता है, चलता है, लेकिन यहाँ पर आप अगर चाहें तो आप दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि कभी भी स्लीव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटे स्लीव्स में भी कभी कभी आर्म होल कसते हैं, तन जाते हैं, कपड़े फटने लगते हैं, तो इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पर कटिंग ज़रूर कर दीजिए। आर्म होल की गोलाई दे दीजिए फ्रंट आर्म होल की, और यहाँ पर मैं वैसे ही कर रही हूँ, और जहाँ से हमने कटिंग की वहाँ पर हमने एक कट मार दिया है, और यहाँ पर हमने हाफ इंच निकाल दी। अब ये जो 3 इंच की स्लिप्स, ये तो कटिंग, अगर आप 3 इंच की स्लिप्स जानना चाहते थे जैसे कमेंट एक आया था, तो उनके लिए तो यहाँ तक वीडियो हो गया, वो देख सकते हैं इसको। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं छोटी स्लिप से बड़ी स्लिप्स कैसे कटिंग करें। जैसे बहुत कमेंट आता है ना कि मैं इतने चेस्ट 34 चेस्ट में आप 3 इंच की स्लिप्स बताइए, 6 इंच की स्लिप्स बताइए, तो अब आपको ये बोलने की और पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अब पेपर एक ले लिया, अब यहाँ पर जो मैं 6 इंच की स्लिप्स कटिंग करूँगी वो कैसे करूँगी, क्योंकि हमने 3 इंच की स्लिप्स कटिंग कर ली है। अब इसी स्लिप्स को हमें यहाँ पर रखना है और मार्किंग करनी है, और से यहाँ पर इसकी हम लेंथ लेंगे 6 इंच, लेकिन चूंकि ये 34 चेस्ट की ही है, तो मतलब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कोई किसी भी चेस्ट की कोई भी स्लिप्स लेकर नहीं कटिंग करेंगे। जैसे 34 चेस्ट की आपको 3 इंच की स्लिप्स है तो ही आप उसकी 6 इंच, 9 इंच, 8 इंच, 10 इंच कर सकते हैं, और 34 अगर 34 है 36 भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा मार्जिन उसका बढ़ाना होगा। तो वो कैसे करना है वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, अभी मैं एक ही चेस्ट के अलग अलग साइज़ की स्लिप्स की कटिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर दी है और नीचे में, और यहाँ पर 1 इंच की हमने अंदर में ले लिया है जो उसकी मार्जिन की जो है लाइन और फिटिंग की लाइन, वो सब मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब एक चीज़ क्या है वो कि नीचे की जो गोलाई होती है वो चेंज होती है, तो पहले मैं क्या करती हूँ यहाँ पर ये करके, और आर्म होल की जो हमें शेप देनी है वो मैं यहाँ पर दे देती हूँ। तो वो हो गई है यहाँ पर, और इसकी पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये 6 इंच की हो गई है, यहाँ पे हमने इसकी 6 इंच की कटिंग कर ली, ये 6 इंच की कटिंग हो गई है इसकी, और इसकी जो आर्म होल है वो आप बाद में कटिंग कर लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक जैसी हो गई है, और यहाँ पर ये अब हो गई है 16 इंच की हो गई। तो 6 इंच, 3 इंच, 6 इंच मैंने बताया है। अब यहाँ पर ये चेंजिंग कैसे आई है, तो वो जो चेंजिंग आई है वो हमने ऊपर में जो आर्म होल के लिए जो हमने 1.5 लिया था, और यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया था लंबी स्लीव्स में, 2.5, तो ऊपर के आर्म होल में भी लाइनिंग ऊपर नीचे होती है, कम ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे ये 3 इंच है, 6 इंच है, आप 11 इंच है, 13 और 16, और उसके आगे भी आप जा सकते हैं, जैसे चूड़ीदार स्लीव्स जो बनती है उसमें 21 इंच तक लेते जाती है। बस यहाँ पर जो चेंजिंग करनी है आपको, ये जो नीचे की जो गोलाई होती है ना, बाँह की गोलाई, तो वो ऊपर में ज़्यादा होती है और नीचे में कम होती है। तो जब छोटी स्लिप्स होगी ना तो इसकी ऊपर की जो गोलाई होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन जब वही लेंथ आप लंबी ले रहे हैं ना, तो नीचे में आकर के उसके आर्म होल मतलब सॉरी उसके जो बाँह की गोलाई वो छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे चेस्ट मेंशन कर दिए हुए हैं, अब आप 21 इंच तक आप जा सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पर ये बस इस जो फ़र्क आता है वो बाँह की जो गोलाई होती है वो फ़र्क आती है। जब आप छोटी 3 इंच की लेंगे तो आप उसमें बाँह की गोलाई, एक ही चेस्ट में बाँह की गोलाई ज़्यादा होगी, नीचे जैसे जैसे आएंगे वो कम हो जाएगी, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए।